हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज है मेरे घर में रुद्राभिषेक पूजा, और जिसके लिए मुझे करनी है बहुत सारी तैयारियाँ। तैयारियाँ तो बहुत सारी की थी मैंने, पर मैं उतना सूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक तो मेरी हेल्थ इशूज है, एंड दूसरी बात ये है कि बहुत सारे काम होते हैं, जो कि हर काम मैं कैमरा में के सामने दिखा दिखा कर नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी अगर हम कैमरा पर काम करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने आरवी को बोला था कि वो ये क्लिप एक शूट कर दे, जो कि थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैं पे बना रही हूँ खीर और पूड़ी, बहुत ही शुद्धता के साथ बना रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके। और उसके बाद जब हमारा जो खाना है वो बन गया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फेसेस कैनेडा का प्राइमर, और यहाँ पे बातें भी हो रही क्योंकि काम हो रही है, और मैंने यहाँ पे कूलर चला के रखा है क्योंकि अभी जस्ट मैं किचन से आई थी, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और कैमरा जो है वो मैंने सही एंगल में नहीं रखा था, जिसके कारण जो आपको जो कलर है वो अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब कि जो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मेरा जो नेक है थोड़ा सा पिगमेंटेड है मेरे फेस के अराउंड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का, और बहुत ही हल्की हल्की क्वांटिटी में ही मैं मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि घर की पूजा है, और उसके बाद है कि ज़्यादा मेकअप अगर करूँगी तो इतनी गर्मी है कि पसीना से मतलब हवन वगैरह होगा, पसीना में मेल्ट होने का भी डर होता है, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं बहुत ही हल्का लगा रही हूँ, क्योंकि मेकअप जो है बस मेरे फेस, हमारा जो फेस होता है उसको सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए मैं करती हूँ। ये नहीं कि मैं नॉर्मली जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो बहुत ही कम फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। और अभी फ़िलहाल जो है वो मेरा बीबी क्रीम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी बीबी सीसी कोई भी क्रीम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। और अब मैंने कैमरा का जो एंगल है वो सही किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कब से कि मेरा जो फेस है वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का, और ये देखिए बच्चों को मैंने पहले से ही रेडी कर दिया है, जिसके कारण वो लोग इधर उधर हो रहे हैं, और अभी मैं मुझे फिर से उठ के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो पंडित जी को चाहिए था पानी पीने के लिए गिलास, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को गिलास निकाल के दे रही थी। और जब हम मेकअप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो होता क्या है कि हमारा सारा सामान जो वो फैल जाता है, और जब जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ करो तो फिर वो और भी काम लेट होता है। मेरे साथ भी तो हमेशा ये सारी प्रॉब्लम होती ही होती है, और ये देखो बीच में आरवी आ गई थी, मैं जल्दी जल्दी जब काम करती हूँ तो बीच में अगर कोई डिस्टर्ब करे तो मेरा कुछ इसी तरीके का मुँह बनता है। तो मैं फटाफट से मेकअप रेवोल्यूशन के आई शैडो पैलेट से ये एक पीची सा शेड मैं पिक करूँगी, ऑरेंजी पीची सा शेड है, और उसको मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मेबेलिन का लगा रही हूँ लाइनर, बच्चे जो है वो बदमाशी करते ही हैं, और मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं, बार बार मैं डांट रही हूँ, क्योंकि कुछ इधर उधर चीज़ें छू देंगे कर देंगे तो फिर मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी, और जिसमें कि टाइम लग जाता है ज़्यादा। उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मस्कारा मैं ब्लू हेवन का ही लगा रही हूँ फिलहाल, मेरे पास यही एक मस्कारा है जो कि मैं एकदम लगर लगर के लगा रही हूँ। और अभी मेरे मेकअप प्रोडक्ट में कुछ मेकअप जो है वो न्यू ऐड होने वाले हैं, उसके बाद मैं ब्राउ को फिल कर लूँगी सेम पैलेट में से ही ये ब्लैक सेट पिक करके। मैं कुछ भी दिखा नहीं रही मेकअप प्रोडक्ट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, जिसके कारण मुझे हस्बैंड से डांट भी लगी थी कि ये क्या मैं फैला कर बैठ गई, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। फिर भी
पर ऊपर पंडित जी अपनी पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं रेडी हो ही रही हूँ तो मैं वीडियो भी साथ में शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बिंदी लगाऊंगी और बिंदी लगाने के बाद मैं अपना मेकअप फिक्सर लगाऊंगी। और ये हवा के कारण क्या हुआ कि मेकअप फिक्सर जो है मेरे फेस से हट के इशू के फेस पे पूरा का पूरा लग गया था, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से मेकअप फिक्सर लगाती हूँ। और मैं यहाँ पे ब्लशर वगैरह लगाना भूल, उसके बाद मैं यूज़ करी अस्टेक वर्की का लिपस्टिक्स और ये मैं बिना आईने देखे बस अंदाजे से ही ऐसे लगा लिया था मैंने, क्योंकि इस तरीके से लिपस्टिक से आप अगर मैच कर लो तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद मैं मैंने लगाया उसके ऊपर से लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेबेलिन का सुपर स्टे मैट इंक शेड नंबर 20 है। तो ये रहा मेरा मेकअप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और अभी मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, तो मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया 9 बजने को है, 7:30 बजे ही पंडित जी ने बोला था, पर उन्होंने खुद ही लेट किया हुआ है। वो खुद 8:15 के करीब आए हैं, 8:30 के 8:20 के करीब आए हैं। और मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मुझे बस साड़ी पहनना है। बालों की मैंने ऐसी टेंशन लगा ली है, मुझे सिर्फ छोटी करनी है। नेल पेंट छूट गया था, मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट भी थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ। अब बस मुझे सिंदूर लगाना है, ज्वेलरी पहननी है और बस कपड़े चेंज करने, बस। तो चलिए ये सब करके मैं आप लोगों को फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी पूजा की हो रही है, तैयारियाँ और सारी तैयारियाँ हो चुकी है, तो अभी जल्दी से चलती हूँ। ये जो वाइट कपड़ा पे ये नवग्रह पूजा के लिए है और यहाँ पे जो ऊपर है वो चावल से बना हुआ है शिवलिंग, और फिर अष्टपटी के शिवलिंग से भी हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, पंडित जी ने कर दी है और यहाँ पे हमारी भी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, हवन वगैरह सब चीज़ की। और ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारी टेम्परेरी टेंट बना हुआ है ताकि हमें धूप ना लगे, और यहाँ पे कूलर भी लग गया ताकि हमें हवा भी आता रहे तो इतना गर्मी का असर नहीं होगा। मंगल और मैंने जो पीछे से जो एंगल रखा था वो सही था, पर उससे है कि वो प्रॉपर जो सारी पूजा की जो रस्में वो नहीं आ पाती। तो आप लोग पूजा ही इंजॉय करो, बाकी लाइट वगैरह का उतना कुछ नहीं कर सकता। चौषा ग्राम सद्दीपाम वसुंधरा ऋग्वेद शाम वेद यजुर्वेद अथर्वण सर्वे अंगे शैतानी सर्वे विधान जलन चैस्तम प्राप्ता कलदेवता नमो नम गंगा देवी भ्रो नम गुमय किंबा ओं गंगे चमणे च सिंधु चसुचींद्रमदे शुकावेरी जड़ेन षडम पदम श्री बच्चों श्री हरिओं वह पवित्रो पवित्रो वाग्रवागो विवास पंडिताक्ष समयांतुलताक्ष ओम ओम श्री का सो गाइस, आज मैं बस इतना ही वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और कल जो है वो मैं फुल वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि 2-2.5 घंटे की पूजा है और काफ़ी बड़ी पूजा है।
तो उतना तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे लंबे शूट हुए हैं, आधा आधा घंटा के एक एक वीडियो शूट हो रखे हैं, जिसके कारण मैं अभी एडिटिंग उतना नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कल मैं पूरा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय।